कारण मैं स्पष्ट रूप से आप सबके सामने रख दूं। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता मेरे पिताजी के स्वर्गवास को लगभग साल होने को आ रहा है। 8 अक्टूबर को उनका निधन हुआ था और हम लोग यहाँ जो परंपरा है 11वें 12वें महीने में हम लोग बरखी करते हैं और बरखी का कार्यक्रम आगामी 12 तारीख को आयोजित हो रहा है और उस सिलसिले में मेरे पिताजी की खूबसूरती उनके व्यवहार की ये थी कि सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों सबके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत खूबसूरत रहे और यहाँ पर तेजस्वी भाई इनके परिवार से एक लंबा रिश्ता रहा है। आदरणीय लालू जी से मेरे नेता मेरे पिताजी के संबंध बहुत ही खूबसूरत, एक साथी के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर, समकक्ष काम करने वाले सहयोगी के तौर पर एक लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहे हैं। इस नाते मुझे लगता है मेरे नेता अगर आज जीवित होते तो कोई भी ऐसा आयोजन होता तो ज़रूर चाहते कि आदरणीय लालू जी उनके परिवार के लोग उसमें ज़रूर सम्मिलित हों। उन्हीं का अंश हूँ इसीलिए मैं भी उस परंपरा को निभाना चाहता हूँ और आज तेजस्वी भाई से मुलाकात का कारण भी यही रहा कि मैं आया हूँ इनको आमंत्रित करने के लिए 12 तारीख को जो बरखी का कार्यक्रम रखा गया है उसमें ये आए। कल संभवतः दिल्ली में मेरी आदरणीय लालू जी से भी मुलाकात करूँगा और जैसा मैंने कहा कि इसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि जितने भी लोग जिन्होंने मेरे नेता के साथ कार्य किया है वो सब इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि उनको देने जरूर आए। नीतीश कुमार से भी आपकी मुलाकात होने वाली है, क्या उनको भी आप इनविटेशन देंगे? भाई मैंने समय तो लिखवाया हुआ है पर मुख्यमंत्री जी से मिलना इतना सहज हो नहीं पाता है। समस्या मेरे साथ यही आती है, मुझे तो खासतौर पर जल्दी वो समय देते नहीं है मुलाकात करने का, पर लिखवाया हुआ मैंने जरूर है। उम्मीद करता हूँ कि कार्यक्रम से पहले आनंद सिंह जी का आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, ये अपने पार्टी के तरफ से अपने पिता के तरफ से संवेदना उनके परिजनों के प्रति प्रकट करते हैं। सदानंद सिंह बाबूजी का हम लोगों का काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, हम तो बचपन से देखते रहे हैं। हम लोगों की जब सरकार थी तब भी स्पीकर वो रहे और अभी साथ में काम करने का भी मौका मिला, तो उनके अब हमारे बीच नहीं रहने से कांग्रेस पार्टी को तो क्षति हुई है और हम लोगों को भी निजी रूप से इस खबर सुन करके मर्माहत है। और जैसा आप जान रहे हैं कि हम सब लोगों के अभिभावक, हम लोगों के नेता रहे हैं रामविलास पासवान जी और उनकी पहली बरखी है, तो इस अवसर पर चिराग पासवान जी मिलने हम लोगों से आए हैं और एक पुराना रिश्ता रहा है जिसका जिक्र इन्होंने किया ही है। तो हम लोग तो घर के लोग हैं और आज उनको कितना भी याद किया जाए पासवान जी को, क्योंकि हम जब पहली राजनीति में हम लोग आए थे 2010 का चुनाव था तो साथ में ही हम लोगों ने काफ़ी जो है कैंपेन उनसे सीखने का काफ़ी हम लोगों को मौका मिला। तो जाहिर सी बात है कि बरखी जो है मनाई जाएगी, इस अवसर पर जो है न्योता हम लोगों को देने आए हैं चिराग जी और जैसे इन्होंने बताया कि राष्ट्र अध्यक्ष जी लालू जी से भी इनकी मुलाकात होगी। चिराग और तेजस्वी एक साथ दिखेंगे? अरे भाई हम तो जो कहना था वो तो हम लोगों ने कह दिया, अब जब लालू जी ने जो बात कह दी उसके बाद तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते और जाहिर से बात है। माने आगे एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे दोनों। अब देखिए अब हम पे बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो लालू जी कह दिए जब जब इच्छाएं जाहिर कर दिए तो उसके बाद मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है। चिराग जी चिराग जी दोनों के पिता एक साथ आए थे, अब गेंद आपके पाले में है चिराग जी, क्या आप फिलहाल मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, आज जो मुलाकात हुई है इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। जैसा इन्होंने भी कहा आज एक व्यक्तिगत तौर पर एक पारिवारिक कार्यक्रम उसके लिए मैं इनको आमंत्रित करने आया हूं। आगे के जो राजनीतिक जो सवाल है मुझे लगता है उसके लिए ये उचित समय नहीं है, जगह नहीं है, उसकी चर्चा हम लोग भविष्य में करेंगे, पर व्यक्तिगत तौर पर इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।